हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट्स एक ऑनलाइन क्लास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड। हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स। सबसे पहले हमें इसका मीन आना चाहिए। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स क्या होता है? लगातार आने वाले नंबर्स। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वन में कॉन्सिक्यूटिव को समझ लेते हैं। कॉन्सिक्यूटिव क्या होते हैं? जैसे हमारे पास लगातार कोई भी आपने नंबर राइट किया 6, 7, 8, ठीक है। अगर आप फर्स्ट नंबर को आप एक्स अज्यूम करोगे तो नेक्स्ट नंबर इससे कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? सेकेंड नंबर एक्स प्लस 1। थर्ड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना ज्यादा है? मतलब इससे पीछे वाले से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा, एक्स प्लस 2। ओके, तो यहाँ पर हमें पता नहीं कि क्या अज्यूम करना है। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर में ऑलवेज कैसे अज्यूम करोगे? फर्स्ट x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। तो ये समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल डिस्कस किया था यहाँ पर। द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स। लेकिन अब ये देखिए, 3 कॉन्सिक्यूटिव तो आप अज्यूम कर लोगे, लेकिन ये बोल रहा है ये किसका मल्टीपल होना चाहिए? 8 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। देखते हैं, लेट 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। अब देखिए, कॉन्सिक्यूटिव तो आप अज्यूम कर लोगे एक्स कॉमा एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, 3 कॉन्सिक्यूटिव। लेकिन ये किसके मल्टीपल्स होने चाहिए? 8 के। तो आपको 8 से क्या करना होगा? इसे मल्टीप्लाई करना। क्लियर? तो 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर तो हमने अज्यूम किए एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, लेकिन ये 8 के भी क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई होना चाहिए। मल्टीपल्स तो 8 से हम क्या कर देंगे? इनको मल्टीप्लाई। अब कह रहा है द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स। अब इन 3 कॉन्सिक्यूटिव 8 के जो मल्टीपल्स है उसका सम किसके इक्वल बोल रहे हैं? 888। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है? 3 जो हमारे पास 8 के मल्टीपल्स है उनका सम कर देते हैं, प्लस एक्स प्लस 1 और थर्ड है हमारे पास 8 एक्स प्लस 2। 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 किसके इक्वल है इसका सम? 888 कर दिया हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8x ब्रैकेट ओपन करेंगे, 8 को x से मल्टीप्लाई किया 8x, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को x से मल्टीप्लाई किया 8x, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 टू 16 इक्वल टू 888। अब देखिए x वाले टर्म्स, ये भी x वाले टर्म्स, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 8 24, ये हो जाएगा हमारे पास 24x। अब कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करते हैं, 8 प्लस 16 ये भी 24 इक्वल टू 888। अब सिंप्लीफाई करना हमें आता है, ये 24x तो इधर ही रहेगा, प्लस का 24 इधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 24। 888 24 माइनस करेंगे, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 6। अब ये 8, इट मींस 864 इसको माइनस करने पे आएगा हमारे पास 864। अब आपको पता है x के मल्टीप्लाई में 24 है, जो चीज 20 मल्टीप्लाई में होती है वो किस में पहुंच जाती है? डिवाइड में। इट मींस x इक्वल टू 864 अपॉन 24। अब आप डिवाइड कर लो 864 में, 864 में किसका डिवाइड करेंगे? 24। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए 72, तो 3 टाइम्स आएगा 72। माइनस करिए, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, 8 में 7 माइनस करेंगे तो 1, और नेक्स्ट डिजिट ऐसे कैसे नोट कर देंगे 4, 144।
24 को अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6 टाइम जाएगा, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 4 24 टू कैरी, 6 2 12 12 में 2 ऐड करिए 144, तो ये कितने टाइम्स गया, 6 टाइम्स 144, 0 0 0, तो इसका आंसर आएगा 36। वैल्यू ऑफ x हमारे पास क्या फाइंड हुई, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 36। अब देखिए जो x की वैल्यू 36 है, जो हमने अज्यूम किए थे नंबर्स 8x 8x प्लस 1 8x प्लस 2, इसमें अगेन पुट कर कि हमें तीनों नंबर्स फाइंड करने होंगे, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट 8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू पुट करेंगे 36, 36 को 8 से मल्टीप्लाई किए, 8 6 48 4 8 3 24 24 में 4 प्लस करेंगे 28 288, फर्स्ट नंबर आ गया हमारे पास। सेकंड नंबर 8 एक्स प्लस 1, इसमें x की वैल्यू पुट करिए अगेन 8, वैल्यू ऑफ x इज 36 प्लस 1, मल्टीप्लाई करिए इसको, 36 प्लस 1 37, 37 को 8 से मल्टीप्लाई करके फाइंड करिए वैल्यू, 8 7 56, 5 कैरी, 8 3 24 24 में 5 ऐड करें 29, सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ गया 296। थर्ड नंबर फाइंड करते हैं, थर्ड हमारे पास है 8x प्लस 2, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ x इज 36, 36 इसमें पुट करेंगे 8 36 प्लस 2, 36 प्लस 2 कितना हो गया 38, 8 मल्टीप्लाई 38, 38 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, 6 कैरी, 8 3 24, 24 प्लस 6 30, 304, थर्ड नंबर हमारे पास आ गया 304, दैट इज आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द एजेस ऑफ राहुल एंड हेरून आर इन द रेशियो 5:7, 4 इयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 इयर्स, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, ये हमें फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। राहुल एंड हेरून दोनों की एजेस का रेशियो कितना है, राहुल का है 5, हेरून का है 7, तो हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं, लेट जो उनकी इयर्स है वो 5x एंड 7x, अज्यूम कर लेते हैं लेट 5x एंड 7x एजेस। इसके बाद बोल रहे हो 4 इयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस, 4 इयर्स लेटर, आफ्टर 4 इयर्स दोनों की एजेस कितनी हो जाएगी, अब देखिए प्रेजेंट में 5x है तो 4 इयर्स के बाद हो जाएगी हमारी राहुल की एज 5x प्लस 4, ऐसे हेरून की हो जाएगी 7x प्लस 4 इयर्स। अब ये बोल रहे हैं 4 इयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस, 4 इयर्स के बाद दोनों एजेस का जो सम है वो कितना है 56, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अटेंड करते हैं इसको, दोनों की एजेस का सम कर देते हैं 5x प्लस 4 राहुल की एज प्लस 7x 4 हेरून की एज, और दोनों का सम कितना है 56। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 56, 5x प्लस 7x कितने होते हैं 12x, 4 प्लस 4 8 इक्वल टू 56, प्लस के 8 को जब ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, 56 माइनस 8, 56 में से 8 माइनस करते हैं हाउ मच 48, अब जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो किसमें पहुंच जाएगी डिवाइड में, 12x के मल्टीप्लाई में, तो 12 डिवाइड में आ जाएगा इधर 48 अपॉन 12, 48 में 12 का डिवाइड करेंगे, 12 12 12 48, तो वैल्यू ऑफ x क्या है हमारे पास 4। अब जो हमने अज्यूम किया था
उसमें हमें पुट करके राहुल की एज और अरुण की एज फाइंड कर लेंगे आपका। तो यहाँ फाइंड कर लेते हैं राहुल एंड अरुण, 5x एंड 7x, ये अज्यूम किया था हमने, x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है 4, 4 इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 4, 20 years। ऐसे ही अरुण की फाइंड कर लेते हैं 7 × 4, 28 years। तो यही उसने पूछा है, व्हाट आर द प्रेजेंटेड, दैट इज आंसर। राहुल की एज 20 years और अरुण की एज 28 years आंसर।